नमस्कार, आप देख रहे हैं BeforePrint.in और मैं हूं रंजीत झा। मंगलवार की देर रात भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला करके जो हड़कंप मचाया पाकिस्तान में, उसकी गूंज अब सुनाई दे रही है। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के मूड में है और इसके लिए उन्होंने मंगलवार को पाकिस्तान की तरफ से भी एक जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई यह थी कि पाकिस्तान का एक विमान F-16 भारत के सीमा में घुसता है, वहां पे हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बदले में भारतीय वायुसेना पहले से तैयार होती है, वहां पे जाकर भारतीय वायुसेना उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। नतीजा यह होता है कि उसका विमान गिर पड़ता है, उनके ही क्षेत्र में गिरता है। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना का भी एक विमान MiG-21 जो कि वहां जाकर क्रैश हुआ है, इसकी पुष्टि हमारे विदेश सचिव ने भी की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पे जानकारी दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना में से एक जो MiG-21 जो क्रैश हुआ है उसका एक पायलट गायब है, जबकि पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भारतीय वायुसेना से दो पायलट उनके कब्जे में आ गए हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। लेकिन भारत ने यह तो माना है कि एक पायलट मिसिंग है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है या जो पाकिस्तान इस बात का दावा कर रहा है उसके कब्जे में, उसकी जाँच की जा रही है। बहरहाल हमने भी कुछ कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानियों के बीच में एक फोटो शेयर हो रहा है, बार-बार एक वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि यही वह पायलट है जिसका नाम अभिनंदन बताया जा रहा है, कि जिसे भारतीय वायुसेना जो MiG-21 को उड़ा रहा था, क्रैश होने के बाद वो पाकिस्तान के एरिया में गिरता और पायलट को कब्जे में ले लिया गया। लेकिन यह पायलट की सच्चाई कुछ और है, यह मामला कुछ और है। तस्वीर देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं आप, चले उसके बारे में आपको एक बार ट्विटर की ओर ले चलते हैं, ट्विटर में समझाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद करके कोई है जो इस तरह के वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं, जिससे पहले पाकिस्तानी सेना के भी ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर हुआ था, इसे डिलीट कर लिया गया था। इसमें दिखाया जा रहा है कि एक जवान पट्टी बांधे हुए हैं और दूसरा वीडियो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक पायलट लेटा हुआ है। दरअसल यह 19 फरवरी का एक वीडियो है जब बेंगलुरु में एयर शो चल रहा था, एयर शो चल रहा था जिसमें सूर्य किरण विमान थे, सूर्य किरण के जो पायलट थे आपस में टकरा गए, वो वीडियो हर जगह शेयर हो गया था, जिसे पाकिस्तानी अब यह दावा कर रहे हैं कि यह जो है MiG-21 क्रैश होने के बाद का दृश्य है, पायलट जो है कब्जे में आया, यही पायलट है, लेकिन वास्तविकता तो यह नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का दावा कितना सच है यह तो जांच का विषय है। और हमारे तरफ से भी विदेश मामले से जो प्रवक्ता है उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार एक जरूर पायलट गायब है, लेकिन यह पुख्ता नहीं है कि पाकिस्तान जिसका दावा कर रहा है वह वही है। लेकिन इस घटना के बाद यह तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के मूड में आ गया है। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कल इमरान खान ने भी अपने सेनाओं को कह दिया था कि किसी भी हालात के लिए तैयार रहें, और इधर से भारत की तरफ से भी सेना तैयार है, लगातार जवाबी कार्रवाई इधर से भी हो रही है, हवाई हमले शुरू हो गए हैं। आगे का सीन क्या होगा इसकी अपडेट भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए BeforePrint.in के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।